जय मानंदा। आज हम शिवालय के लौटू भगवान के स्थान पर आए हैं, जहाँ के मुख्य पुजारी श्री देवेंद्र प्रसाद डिमरी जी पूजा पाठ करते हुए नैवेद्य प्रसाद चढ़ाते हुए अपने परंपराओं को निर्वृत्त कर रहे हैं। तथा सर्वप्रथम जब गांव से नंदा देवी सबसे पहले लौटू भगवान से मिलती है, यहाँ पे उनका मिलन होता है। उसके बाद यहाँ से होते हुए अपने गंतव्य स्थान माँ चंडिका के प्रांगण में होता है, और जिसका वहाँ पे पूजा पाठ करते हुए समस्त महिलाएं, समस्त ग्रामवासी और दूर 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 देश से आए हमारे सभी डिमरी बंधु बांधव यहाँ पे उपस्थित हैं और प्रांगण में उपस्थित होंगे, तथा महानंदा देवी की पूजा होगी। तथा रात्रि को यहाँ पे काल रात्रि का आयोजन है, जिसमें रात भर यहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी जागरण करते रहते हैं। और यहाँ पे सर्वप्रथम जहाँ पे आपको पुजारी जी दिखाई दे रहे हैं, माँ नंदा देवी सबसे पहले यहाँ पे मिलने को आती है और अपने भाई लौटू से मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचती है। तथा तत्परांत इसके नीचे हमारे विश्वकर्म देवता का मंदिर है, थान है, वहाँ पे भोग प्रसाद बनाया जाता है, विश्वकर्म का भोग बनाया जाता है, जिसमें यहाँ पे विश्वकर्म देवता आता है और अपना भोग ग्रहण करके सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। और उसके बाद हमारे देवू प्रसाद जी क्षेत्रपाल के पुजारी, लौटू देवता के पुजारी यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए अपने परंपराओं को निर्वृत्त कर रहे हैं। माँ भगवती, लौटू देवता इनके सभी कामों को संपन्न करे और माँ भगवती और लौटू देवता इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। और ये विश्वकर्म का भोग बनाने के लिए हमारे सुबोध भाई और नीचे गेदर भाई और गिरीश भाई ये तीनों तैयार हैं। अब कुछ ही क्षणों के बाद हमारे डांडेधार से विश्वकर्म के जो पतवारे हैं और वो पुजारी हैं, वो अभी पहुंचेंगे। और काफ़ी समय बाद आज माँ नंदा की अगुवाई लाटू की आज विधि विधान और पुरानी परंपराओं से पूजा अर्चना की गई और रोंट काटा गया। जय माँ नंदा, जय विश्वकर्म देव, जय भैरवनाथ। और माँ नंदा, माँ चंडी माई हमारे सारे ग्रामवासियों की मनोकामना पूर्ण करे और सबको रिद्धि सिद्धि दे और सद्बुद्धि प्रदान करें। और ये हल्का सा हमारे मूली चमाली का दृश्य आपको दिखा देते हैं, हल्का दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही सुंदर। ये अवसर बहुत कम समय बाद, काफ़ी समय बाद मिला है। आज हमें भी लाडू देवता के रोंट काटने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय लाटू देव, जय भोले शंकर, जय मां नंदा। अभी कुछ ही देर में विश्वकर्म के पुजारी भी पहुंचने वाले हैं और नीचे खेत में मां नंदा की कई का श्रृंगार भी हो रखा है।
माँ नंदा सभी ग्रामवासियों की सद्बुद्धि प्रदान करे। बहुत हर्ष और उल्लास के समय आज आनंदित और ये पुरानी कुटिया ये भोपाल दादा के समय की, लेकिन क्या करें, इसका जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हो पाया। माँ नंदा और लाटू का आशीर्वाद रहे तो यहाँ पे लाटू का एक छोटा सा मंदिर का निर्माण किया जाएगा आने वाले समय में। और ये कुटिया, इस कुटिया में मेरे को लग रहा सभी गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा खिचड़ी सबने खाई होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बाबा जी आते थे कहीं बाहर से भी या हमारे भोपाल दादा जी, तो यहाँ की जो खिचड़ी होती थी प्रसाद के रूप में सभी खाते थे। बहुत ही आनंद, आज काफ़ी समय बाद पुरानी यादें भी ताज़ी हो गई। जय माँ नंदा, जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय इष्ट देव, धन्यवाद।